मैं कौन हूं? मैं जानता हूं कि मैं आत्मस्वरूप हूं। तो फिर परमात्मा जिसने जिसका हम अंश है, हमें अलग करके ये स्वांग क्यों रचाया? मेरा पैदा होना मेरे पेरेंट्स की डिजायर रही होगी। अब मेरा जन्म हुआ, हालांकि मेरा प्रारब्ध मेरे जन्म का भौगोलिक कारण है। इसका मतलब परमात्मा की भी डिजायर होगी आत्मा को क्रिएट करने के लिए। बहुत क्वेश्चन है, बट उसका मूल बिंदु यही है कि हम आए क्यों? हम दुनिया में आए, दैट इज द मेन पॉइंट। और उसी को समझने के लिए अध्यात्म की शुरुआत। अध्यात्म की शुरुआत ही इस बात से जानने से होती है कि व्हाई आई एम हियर। एंड सो समबडी हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन इज इन द एज ऑफ इंक्वायरी। एज ऑफ इंक्वायरी में है और उस स्थिति में वो जानना चाहता है ये सारा प्रपंच रचा क्यों है, इस सारा विस्तार से संसार रचा क्यों है। तो दो बातें समझ लीजिए कि ये संसार परमात्मा ने नहीं रचा। द गॉड इज नॉट द क्रिएटर। ब्रह्मांड जो पूरा का पूरा रचा गया है, जो दिख रहा है, जो भास रहा है, वो कल्पना है, वो इमेजिनेशन है। लेकिन जब तक हम संसार में हैं, हमें ये सत्य समझ नहीं आए। सो डोंट इवन ट्राई टू वेस्ट योर एनर्जी की संसार शुरू क्यों हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि यू विल बी इन सर्क। सपने में जब तक हो, सपने की शुरुआत कैसे हुई नहीं जान सकते। तो सपना जो है वो आदमी के थॉट का ही क्रिएशन। सो एब्सोल्यूट लेवल में देर इज नो वर्ड। रिलेटिव लेवल में आई रिपीट द आंसर, यू आस्क क्वेश्चन 10 टाइम, मेरा आंसर 10 बार भी यही होगा। अब 10 बार प्रश्न पूछोगे, मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछोगे, यूट्यूब में पूछोगे, कहीं पूछोगे, 10 टाइम यू आस्क दिस क्वेश्चन और 10 बार मैं यही आंसर दूंगा। एब्सोल्यूट लेवल में संसार जो है वो माया है। रिलेटिव लेवल में संसार आपके थॉट की क्रिएशन। अब आपको कि नहीं मैं समझ जाऊं पूरी सृष्टि कैसे पैदा हुई, देन यू रियलाइज योर सेल्फ। जब आत्मज्ञान हो जाएगा देन यू। मुझे अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ, सो आई कैन गिव यू आंसर जो मेरे गुरुओं ने मुझे आंसर दिया, जो ब्रह्म ज्ञानियों ने आंसर दिया। वो कहा है ये संसार इस लाइक स्नेक इन अ रोप। ये संसार एक ऐसा है जैसे भास रहा है। सो लेट्स गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम। ये बार बार क्वेश्चन आएगा लोगों के, ये संसार बना कैसे, सृष्टि बनी कैसे, और उसके बड़े से बड़े फार्मूले क्रिएट किए जाएंगे। एडम एंड ईव का फार्मूला बना, 5 दिन में आदमी को बनाया गया, 6ठे दिन हवा बनाएगी, 7वें दिन भगवान वीकेंड छुट्टी पे चला गया, और मंडे मॉर्निंग को तो जब आया तो एप्पल खा लिया था। इफ यू आर हैप्पी विद दैट क्रिएशन थ्योरी, आई हैव नो प्रॉब्लम। यदि आप इस बात से तृप्त हो कि आदम और हव्वा ने बनाई सृष्टि, अल्लाह ने बनाई है, गॉड ने बनाई एडम और ईव को लेके, और उसके बाद 7वें दिन मॉर्न छुट्टी पे चले गए, डे ऑफ सब्बत, एंड मॉर्न अगले दिन मॉर्निंग में जब आए तो कहा, देखा उसने एप्पल खा गया था, उसकी सजा उसको जो जख्म मिली। इफ यू आर हैप्पी विद दिस कॉन्सेप्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट वेदांता डजंट गिव एनी थ्योरी ऑफ क्रिएशन। संसार कैसे बना, क्यों बना, कब बना, छोटा बच्चा पूछता है आप मुझे कहां से लेके आए, मैं पैदा दुनिया में आया कैसे, आप कहते हैं हॉस्पिटल से लेके, कितने का खरीदा था, बच्चे को पूरी ह्यूमन बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकते आप, और जो वो समझ जाएगा पूछेगा। सो प्लीज ये बार बार जो आप प्रश्न पूछते रहते हो ना कि दुनिया सृष्टि कैसे हुई, आप नहीं कोई भी बहुत से क्वेश्चन आते, तो उसका मैं एक बार तोड़ जवाब दे रहा हूं। प्लीज जब तक आप स्वप्न में हो, जागृत को नहीं जान सकते। यू कैन नॉट आंसर, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, नो बॉडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन।
जो कहता है कि मुझे इस सृष्टि कैसे, दुनिया कैसे बनी, कैसे हुई, इसके वो थ्योरीज देता रहता है। Neither he knows what he's answering. So let's come back to the basic idea. Basic idea हमारे अंदर वासना है. So let's start the chapter 5. The chapter 5 का जो नाम है वह है ज्ञान कर्म संन्यास. इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास, सॉरी कर्म संन्यास. चौथे अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास और पांचवे का कर्म संन्यास. इस अध्याय को समझने के लिए पहले मैं एक चार्ट देता हूं आपको, वो चार्ट दिखाता हूं, क्योंकि उसके बिना ये अध्याय समझना इम्पॉसिबल. क्या है वो देखते हैं. ये आपके सामने चार्ट आ रहा होगा. चार तरह के लोग होते हैं संसार में, भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी. भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी, इन चारों तरह के लोगों में भोगी वो होता है जिसमें बहुत सारी वासनाएं होती है. आपके सामने चार्ट है, इस चार्ट के बिना ये चैप्टर समझना मुश्किल. भोगी वो है जिसमें बहुत सारी वासना है और उसकी लाइफ का पर्पस है खाओ पियो रैश करो, खाओ पियो रैश करो, यही पर्पस है उसके जीवन में. तमस और रजस का जमावड़ा बहुत है और वो लाइफ लॉन्ग भटकता रहता है, वो लाइफ लॉन्ग भटकता रहता है. उसके बाद आता है योगी. योगी के अंदर भी बहुत सारी वासनाएं हैं लेकिन उसका मकसद है सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म उद्धार. आत्म सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है. अभी बहुत सारी वासनाएं, हम सब बहुत सारी डिजायर्स हैं हमारे. बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, डोंट स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर अस्तित्व प्रज्ञ. उसका मकसद है सेल्फ डेवलपमेंट और उसमें रजस और सत्व होता है. एंड ऐसा आदमी बाहरे मुखी बहुत होता है, एक्सट्रोवर्ट. एंड देन कम्स अ सन्यासी जिसमें बहुत कम वासना है, उसका मकसद आत्म साक्षात्कार है और उसमें सत्व के गुण ज्यादा हो जाते हैं और वो अंतर्मुखी हो जाता है. एंड द लास्ट ज्ञानी जो सेल्फ रियलाइज्ड है, उसके अंदर कोई वासना नहीं है, उसकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है क्योंकि उसने अपना फाइनल लक्ष्य पूरा कर लिया और वो गुणातीत हो गया. एंड देयर आफ्टर उसे अपनी फाइनल मंजिल मिली, वो फाइनल मंजिल उसकी मोक्ष प्राप्त हो गया. सो लेट्स स्टार्ट द होल चैप्टर 1. चैप्टर 5 का पहला श्लोक आज हम शुरू करते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि भगवत गीता को हम श्लोक दर श्लोक पढ़ते हैं, हर एक श्लोक को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस में हमारी कोशिश होती है कि हम सत्य को समझें और उसको. संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि अर्जुन ने पूछा. अर्जुन बोला हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास को फिर योग और फिर योग की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में से जो एक श्रेष्ठ है उसे ठीक निश्चय करके मुझे. अर्जुन पुनः वही प्रश्न पूछ रहा है.
जो उसने अध्याय 3 के पहले और दूसरे श्लोक में पूछा। अर्जुन पूछता, मुझे साफ साफ बताओ कर्म योग श्रेष्ठ है या सन्यास योग। दो अध्यायों के उपरांत भी अर्जुन की बुद्धि नहीं समझ पाए कि क्या करूं और क्या ना करूं। अर्जुन को ही नहीं अपितु आम मनुष्य को भी इस अध्यात्म पर ज्ञान नहीं है। अधिकतर लोग कर्म को छोड़ना अध्यात्म समझते हैं। कर्म को छोड़ना अध्यात्म नहीं है, अपितु कर्म में कर्म का स्वयं छूट जाना अध्यात्म। इस विषय को लेकर कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से जिज्ञासुओं को संन्यास योग का ज्ञान दिया। पिछले अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग था, इस अध्याय का नाम केवल कर्म संन्यास योग रखा गया। इसका एक कारण ये हो सकता है कि ज्ञान आने के उपरांत ही कर्म छूटते हैं। बिना ज्ञान के यदि कोई कर्म छोड़ जाएगा तो जीवन के किसी मोड़ पर वो कर्म सामने आ खड़े होंगे। इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे योगीराज भगवान श्री कृष्ण। सौ बातों की एक बात है जी। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास। गीता जी में 18 अध्याय हैं, 701 श्लोक हैं। कल गीता जयंती के दिन हम गीता जी को प्रणाम करते हुए उसके ज्ञान को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करते। तो 18 अध्याय है, 701 श्लोक है। अर्जुन विषाद योग पहला है, दूसरा सांख्य, तीसरा कर्म, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास और पांचवा कर्म संन्यास। सो फाइनली मकसद यह है कि आपको कर्मों से मुक्त होना है। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों, एवरी एक्शन का फाइनल डेस्टिनेशन रिनंसिएशन है। आई रिपीट, एवरी एक्शन का फाइनल डेस्टिनेशन रिनंसिएशन है, एंड दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। स्कूल जाते हो, एक्शन है, स्कूल का फाइनल कल्बिनेशन एक्शन से रिनंसिएशन है। अर्थात स्कूल जाते हो उसका मकसद है फाइनली स्कूल से मुक्त होना, हॉस्पिटल जाते हो मुक्त होना। तो रिनंसिएशन, आपकी बेटी 18 की, 20 की, 22 की, 24 की हो गई, अब आपका मकसद है कि उससे मुक्ति को प्राप्त करना, उसकी शादी हो, अपने घर जाए। सो हर कर्म संन्यास में ही फलीभूत होता है। हर कर्म का फाइनल डेस्टिनेशन संन्यास है, और वो संन्यास हम प्राप्त करते हुए हमें मुश्किल होती है। उसका विचार ही हमारी लाइफ में हमें गड़बड़ कर, या तो फिजिकली आपको ले लिया जाता है, मृत्यु के कोख में जन्म दे दिया जाता है, या फिर आपसे कोई और छीन लेता है, वो संन्यास नहीं है। संन्यास क्या है? जब छोड़ो नहीं, छूट जाए, जैसे खिलौने छोड़े नहीं छूट जाए। तो अर्जुन का प्रश्न है, या एक तरफ आप संन्यास की बात करते हो, एक तरफ योग की, तो दोनों में से क्या कल्याणकारी है वो जब? तो हम सब लोग बहुत सादा इस बात पे अडिग रह जाते हैं कि अध्यात्म सब कुछ छोड़वा देता है, छोड़वा नहीं देता, छूट जाता है। छुड़वाना क्या है, छोड़ क्या सकते हो? और जबरदस्ती छोड़ा तो कुदरत दोबारा वो बला भी वो दे दे। जिद्दबाजी करके कोई भी चीज छोड़ी आपने, कुंदक से, क्रोध से कोई चीज छोड़ी, तो प्रकृति बला दी मत बोल देते। और वही हम नहीं चाहते वेदांत में। हम चाहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को सहजता से छूटे। आगे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण जी, जैसे कि आप जानते हैं हम भगवद गीता के हर एक श्लोक को श्लोक परत दर परत बोलते हैं। तो अगला श्लोक क्या कहते हैं भगवान श्री भगवान वाचा, क्या बोलते हैं हम देखते हैं अध्याय 5 श्लोक नंबर भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराभुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, देव श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले, परंतु इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ। कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से जनमानस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म के संन्यास से श्रेष्ठ कर्म करना। अर्जुन की तरह आम मनुष्य भी कामनाओं से भरपूर तथा कामनाओं से लबालब मनुष्य को ये कहना कि वह अंतर्मुखी हो जाए उचित नहीं है। ऐसे में व्यक्ति ना तो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। जो व्यक्ति बाहर मुखी है उसके लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य को कर्म करना ही है तो श्रेष्ठ कर्म करे, श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए उद्देश्य, श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए कर्म करे। जो व्यक्ति श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए कर्म करता है वह तो कर्मयोगी बन जाता है। जब मनुष्य कार्य को श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए करेगा तो निम्न वासनाएं, निम्न कामनाओं से मुक्ति, संन्यास स्वतः तथा सहज हो जाएगा। एक बात और महत्वपूर्ण है कि संन्यास परिणाम है और कर्मयोग कारण है। आध्यात्मिक रास्ता है जिसका आरंभ भोग से होता है। भोग विलास के समय जब मनुष्य दुख, दरिद्रता, दीनता को प्राप्त करता है तो सोचना शुरू करता कर देता है कि मैं कहाँ फंसा हूं, मैं कहाँ आकर अटक गया। यही सोच मनुष्य को अंतर्मुखी बनाती है। यही सोच सही लक्ष्य दे तो कर्मयोगी बन सकता, अन्यथा हिप्पियों की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर धरती पर बोझ बन सकता है। कर्मयोग के उपरांत अध्यात्म का दूसरा पड़ाव है संन्यास, जहां मनुष्य की बहुत हद तक इच्छाएं कम हो जाती है। जब इच्छा ही नहीं रही तो कर्म की आवश्यकता भी नहीं रहती। जब अधिकतर कामनाएं छूट जाए तो व्यक्ति संन्यासी बन जाता। सन्यासी अंतर्मुखी होने का नाम है और सन्यासी का काम ध्यान है। ध्यान की परिणति ज्ञान है। ज्ञान ही उस अध्यात्म का मूल बिंदु है। ज्ञान अर्थात मोक्ष, ज्ञान अर्थात मुक्ति। बारहवीं का ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपकी स्कूल से मुक्ति हो जाती है। जब बारहवीं का ज्ञान पूरा नहीं हो तो हम बार बार बारहवीं कक्षा में आते रहेंगे। इसी तरह जब तक जीवन का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा मनुष्य बार बार इस दुनिया में टपकता रहेगा। मनुष्य के मन में भ्रम नारे, इसलिए भगवान जी कृष्ण जी सीधी सटीक बात कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास, कर्म योग संन्यास से बेहतर है। क्योंकि आम मनुष्य अभी अध्यात्म की पहली सीढ़ी पर पहुंचा। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे को स्कूल से योग की बात करते हैं, किंतु बारहवीं के बच्चे को स्कूल के संन्यास का प्रवचन दिया जाता है। क्या चाहते हो? भगवान जी से अर्जुन ने प्रश्न पूछा, संन्यास बेटर है या कर्मयोग बेटर है? तो भगवान जी ने कहा कि भैया कर्मयोग बेटर है। आप एक कंपनी में नौकरी करते हो, आप एक कंपनी में नौकरी करते हो और कंपनी में चार वैकेंसी निकली, एक क्लर्क की, एक मैनेजर की, एक सुपरवाइजर की और एक प्यून की। चार वैकेंसी हैं अलग अलग कैटेगरी की। आपके पड़ोस का बच्चा आपके पास आता है और कहता है कि अंकल अंकल, आपकी कंपनी की जॉब की वैकेंसी निकली है, इन चारों में से बताएंगे मुझे
चारों का डिटेल बता दीजिए तो आप मैनेजर का रोल, सुपरवाइजर का रोल, क्लर्क का रोल, प्यून का रोल बताते हो। सारा लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद वो आपका लग पड़ोस का बच्चा कहता है कि अंकल अंकल इन चारों में से मैं कौन सी जॉब को अप्लाई करूं, तो आप क्या बोलो? आप सब सोच रहे होंगे वही जॉब अप्लाई कर जिसमें तेरी कैपेबिलिटी है। नहीं, आपकी जगह मैं होऊंगा तो मैं बोलूंगा प्यून की जॉब के लिए अप्लाई कर, प्यून की जॉब के लिए अप्लाई कर, क्योंकि कर तू मैनेजर के लेवल का होता तो ये प्रश्न ही नहीं पूछता, मैनेजर के लेवल का होता तो ये प्रश्न ही नहीं पूछता। अगर तू ये प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि तेरे अभी कैलिबर वो नहीं है। तो सेम टोकन अर्जुन को भगवान, अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि कर्म श्रेष्ठ है ज्ञान श्रेष्ठ है, तीसरे अध्याय की शुरुआत, और तीसरे अध्याय की शुरुआत में जब पूछा तो भगवान ने पूरी डिटेल में एनालिसिस किया, पूरी डिटेल बताई समझाई कि भैया कर्म योग में और ज्ञान में क्या भेद है। लेकिन सब कुछ पूछने के बाद फिर दोबारा पूछता है कि कर्म श्रेष्ठ है ज्ञान श्रेष्ठ है, तो ऑब्वियसली अभी अर्जुन का जो कैलेबर है वो ज्ञान का नहीं है, कर्म का। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, और हम सब का भी वही लेवल है। अभी वासनाएं बहुत है, अभी बहुत सी कामनाएं वासनाएं, सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अभी संन्यास का एस भी नहीं हमें पता, संन्यास का एस भी नहीं हमें पता, हम तो अभी कर्मों के गुंजलों में फंसे हुए हैं, कर्म भी नहीं कर रहे, अभी तो हम भोगी हैं, कर्म योगी भी नहीं है, भोगी है। तो भोगी कौन है? वो जिसमें बहुत सी वासना है। भोगी कौन है? जिसमें बहुत सारी वासना है, और उस वासनाओं को हम चार्ट सामने आ, भोगी वो है जिसमें बहुत सारी वासना है और उसका उद्देश्य है खाओ पियो ऐश करो, और उसके जो अंदर जो प्रेडोमिनेंट गुण है वो तमस और रजस है और भटका हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो अभी ना घर का ना घाट का, ऐसा व्यक्ति जो भी वासनाओं में पूरी तरह से अटका लटका फटका हुआ है, उस व्यक्ति को आप सीधा ज्ञानी सन्यासी की बात नहीं कर सकते। He has to go via योगी, और योगी के अंदर वही व्यक्ति है जो इसमें बहुत सारी वासना है, योगी में भी बहुत सारी वासना है, और वो योगी आत्म उद्धार के लिए, आत्मोद्धार सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जीता है, और उसका मकसद ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उसका मकसद है सेल्फ डेवलपमेंट। उसमें रजस सत्व ज्यादा है, ऐसे आदमी को बाहर मुखी कर्म करना पड़ेगा। सो हम सब लोग अपने आप से ऑनेस्ट हो चुके, अभी तो एक फोन की घंटी हमारी घंटी बजा देती है, अभी तो एक छोटा सा वेदर चेंज आपको भड़का देता है, अभी तो हमें एक छोटे से खाने में नमक तेज और ज्यादा हो जाए तो गुस्सा दिला देता है, अभी तो हमें जाते वक्त में नमस्ते कह के मिल गई बीपी बढ़ा देता है, अभी तो हमें वो व्यक्ति जो छोटे जो आपके सामने छोटा सा था छोटी पोजीशन में था और आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाए वही जेलसी दे देता है। अभी तो दिल्ली दूर है, खासकर जहां पे हम है वहां से तो बहुत ही दूर है, लेकिन शुरुआत पिकअप गोल इन लाइफ, पिकअप गोल इन लाइफ, गोल पर अपने लक्ष्य बनाए, लक्ष्य सेल्फ डेवलपमेंट का हो, कोई बड़ा लंबा चौड़ा हो, लक्ष्य ये बनाइए कि मुझे गुस्से को कंट्रोल करना है, लक्ष्य स्पेसिफिक बनाइए मुझे इस फियर से आगे निकलना है, लक्ष्य स्पेसिफिक बनाइए कि मुझे जिस व्यक्ति से 36 का आंकड़ा है वो शायद जैसा मर्जी रहे मुझे उससे मेंटल न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो लक्ष्य जब आप बनाएंगे तो आपकी लाइफ सहज हो जाएगी, लक्ष्य जब आप बनाएंगे तो आपकी लाइफ में एक एक ऊर्जा आ जाएगी, और यही कर्मयोग की पहचान है, यही कर्मयोग का अध्यात्म का सफर है कि आपको मुझको अपनी लाइफ में लक्ष्य बनाए। और वो तीसरा अध्याय हम बात करके चले गए, तीसरे अध्याय में हमने बात करी, फिर चौथे अध्याय की चर्चा करी, और आज हम पहुंचे पांचवें अध्याय में जिसके अंदर भगवान जी संन्यास की बात करें।
वो क्या संन्यास है, क्या हमारे अंदर का स्वभाव है, उसको हम चर्चा करेंगे कल सुबह 7 बजे। तो कल दो क्लासेस होंगी जी, सुबह 7 बजे की क्लास होगी जो गीता जी की हम बुक रीडिंग करते हैं, और शाम को 7 बजे स्पेशल क्लास है। कल गीता जयंती है, दुनिया में एकमात्र एक ऐसी किताब है जिसकी जयंती मनाई जाती है, और दुनिया में किसी और पुस्तक की जयंती नहीं होती। तो गीता जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे श्लोक करेंगे, गीता जी के आखिरी 4-5 श्लोक हैं जहाँ भगवान जी अर्जुन को बताते हैं कि जो गीता का ज्ञान पढ़ता पढ़ता पढ़ाता है समझता है दिखाता है उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। सो कल सुबह मिलेंगे 7 बजे और शाम को भी 7 बजे इसी विचार के साथ। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।